हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं शेयर कर रही हूँ नैचोस की रेसिपी। साथ में हम बनाएंगे चीज सॉस। के लिए सबसे पहले हम आधा कटोरी मक्के का आटा लेंगे, आधा कटोरी मैदा और एक कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। में हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मार्केट जैसे येलो नैचोस के लिए हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर मिलाएंगे। एक चम्मच सिरका भी हम इसमें डाल देंगे। लहसुन अदरक को कूट कर उसका रस हम इसमें डाल देंगे। इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक टाइट आटा तैयार कर लेंगे। ये देखिए, आटा अब तैयार हो गया है। अब हम इसे गीले कपड़े में ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब हम थोड़ा सा आटा लेकर उसे बेल लेंगे। इसे हमें बिल्कुल पतला बेलना है। ये अब बिल गया है। अब हम इसे कांटे चम्मच की मदद से प्रीक कर लेंगे। अब इस रोटी को हम गरम तवे पे डाल देंगे और इसे हम थोड़ी देर सिकने देंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, बस इसमें थोड़े थोड़े से जब बबल्स आ जाएं दोनों तरफ से तो ये रोटी सिक जाएगी। देखिए, अब ये सिक गई है। इसे हमें बस इतना ही सेकना है। इस रोटी को हम ट्रायंगल शेप में काट लेंगे।
अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। फ्लेम को हमें लो मीडियम पे ही रखना है। तेल अब गरम हो गया है, अब हम इसमें सारे ट्रायंगल्स डाल देंगे। एक बार में जितना कढ़ाई में आ सके उतना ही डालना है। इसे तलने में कम से कम 10 मिनट लगते हैं। इसे हमें गोल्डन होने तक तलना है। अब ये नेचर्स गोल्डन और क्रिस्प हो गए हैं। अब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे। का मसाला तैयार करने के लिए हम लेंगे 1 चम्मच लहसुन का पाउडर, 1 चम्मच प्याज का पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च। हम 1/2 चम्मच काला नमक भी डाल देंगे। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा नेचर्स का मसाला तैयार है। मसाले को हम गरम गरम तेल से निकले हुए नेचर्स पर स्प्रिंकल कर लेंगे। हमारे क्रिस्पी नेचर्स तैयार हैं। सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 बड़े चम्मच मक्खन को गर्म करेंगे और उसमें 1 कप दूध डाल देंगे। येलो कलर के लिए हम चुटकी भर हल्दी डाल देंगे, इससे चीज सॉस का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम 2 टीस्पून कॉर्न स्टार्च डालेंगे, जिसे मैंने घोल के रखा था। अब हम इसमें कटे हुए चीज डाल देंगे और इसे अब हमें लगातार चलाते रहना है। अब इसकी कंसिस्टेंसी चीज सॉस के लिए बिल्कुल सही है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसे हम एक बार स्ट्रेन कर लेंगे, अगर ताकि इसमें अगर कोई लम्स वगैरह रह गए हो तो निकल जाए। हमारा चीज सॉस भी बनकर तैयार है। इसी तरह की आसान रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।